दोस्तों आईपीएल 2020 पर बीसीसीआई के लिए लगातार खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के आयोजन के लिए लगभग 5 स्टेडियम्स को चिन्हित कर लिया है, जहां पर आपको आईपीएल 2020 का आयोजन जल्द से जल्द होते हुए नजर आ सकता है। तो कौन सा है वो स्टेडियम जिसमें आईपीएल का आयोजन जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा और कब से आईपीएल 2020 स्टार्ट होगा, सारा डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बहुत ही मजेदार यह वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को देखते रहिए बिल्कुल लास्ट तक। और अगर आप भी चाहते हो कि आईपीएल 2020 का आयोजन जल्द से जल्द हो जाए तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाले समय में आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के आयोजन के लिए बीसीसीआई ने 5 स्टेडियम्स को चिन्हित किया है, जिसमें पहला स्टेडियम जो है वो गोवा में स्थित है। गोवा जो कि इंडिया का पहला कोरोना फ्री स्टेट है, जहां पर कोविड-19 के एक भी केस नहीं है। तो ऐसे में आईपीएल 2020 के मैचों का आयोजन गोवा में करवाना बीसीसीआई के लिए काफी आसान हो सकता है और इसके लिए भारत सरकार बीसीसीआई को अनुमति भी दे सकती है। तो हो सकता है कि आईपीएल 2020 के अधिकतर मैच आपको गोवा में होते हुए नजर आ जाए, जहां पर गोवा में पटोदर स्टेडियम मौजूद है, जहां पर पहले भी इंटरनेशनल मैचों का आयोजन हो चुका है। तो सबसे बेस्ट वेन्यू जो रहने वाला है वो रहने वाला है गोवा, जहां पर आईपीएल 2020 का आयोजन आपको क्लोज डोर्स में होते हुए नजर आ सकता है। बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेडियम के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां पर आईपीएल 2020 के पहले भी मैच हो चुके हैं और यहां पर फिलहाल कोविड-19 के बहुत ही कम केस है और उम्मीद ऐसी है कि 3 मई के बाद यहां पर लॉकडाउन में पूरी तरीके से ढील दी जाएगी और उसके बाद यहां पर रायपुर में भी आईपीएल 2020 का आयोजन हो सकता है। बात कर ले तीसरे बड़े स्टेडियम के बारे में, तो यह है धर्मशाला में अवस्थित। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2020 का आयोजन बीसीसीआई के लिए करवाना काफी ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि यहां पर कोविड-19 के बहुत ही ज्यादा कम केस है। हालांकि यहां पर मौसम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन धर्मशाला भी काफी बेस्ट वेन्यू है, जहां पर आईपीएल 2020 का आयोजन बीसीसीआई क्लोज डोर्स में करवा सकती है। बात कर ले चौथे बड़े स्टेडियम के बारे में, तो यह है महेंद्र सिंह धोनी का होम ग्राउंड यानी कि रांची। यहां पर कोविड-19 के ज्यादा केस नहीं है और रांची में भी आईपीएल 2020 के मैचों का आयोजन हो सकता है और यह भी काफी बेस्ट वेन्यू रहने वाला है। रांची में दर्शकों की क्षमता भी काफी अधिक है। हालांकि आईपीएल 2020 का आयोजन क्लोज डोर्स में होगा, ये बात तो लगभग तय माना जा रहा है। बात कर ले पांचवें बड़े स्टेडियम के बारे में, तो दोस्तों यह है कटक का स्टेडियम। कटक जिसमें कि काफी अच्छा ग्राउंड है और यहां पर कोविड-19 के बहुत ही कम केस है और भारत सरकार कटक में आईपीएल करवाने के लिए बीसीसीआई को अनुमति दे सकती है। तो चांसेस यह है कि इन पांचों स्टेडियम में आपको आईपीएल 2020 का आयोजन मिड मई तक स्टार्ट होते हुए नजर आ जाए। हालांकि लॉकडाउन अगर इंडिया में अगर एक्सटेंड नहीं होता है 3 मई के बाद, तो हो सकता है कि मिड मई से आईपीएल 2020 का आयोजन हो जाए, लेकिन अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन को फिर से एक्सटेंड किया जाता है तो आईपीएल 2020 के मई में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे और लॉकडाउन बढ़ने के बाद आईपीएल 2020 के लिए बीसीसीआई के पास सिर्फ एक वेन्यू बच जाएगा, एक विंडो बच जाएगा, जो कि रहने वाला है सितंबर अक्टूबर का विंडो। T20 वर्ल्ड कप की जगह आईपीएल 2020 का आयोजन करवाना पड़ेगा बीसीसीआई को। और हाल ही में आईसीसी ने भी बड़ा बयान दिया था, जहाँ पर उन्होंने हिंट दिया था कि हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप को पोस्टपोन या फिर अभी सस्पेंड कर दिया और उसके स्थान पर आईपीएल 2020 का आयोजन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली के लिए एक और विंडो है, जो कि सितंबर अक्टूबर का है और उससे पहले मिड मई में आईपीएल 2020 स्टार्ट करवाने का विंडो बीसीसीआई के पास ऑलरेडी मौजूद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कब से आईपीएल 2020 स्टार्ट होगा, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। और फ्रेंड्स, वीडियो एंड करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि आईपीएल 2020 के फ्यूचर के ऊपर 3 मई को गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। वहां पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली सभी 8 टीमों के मालिक के साथ इस मीटिंग को कंडक्ट करने वाले हैं और वहां पर से आपको आईपीएल 2020 के फ्यूचर के ऊपर सबसे बड़ा डिसीजन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, 3 मई को आईपीएल 2020 पर सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।